इस वीडियो में आप लोग कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, छोटी ही वीडियो होगी। ये कुछ चीज़ें जो थी मिसेल से संबंधित छूट गई थी उसे मैं बता रहा हूँ। जैसे क्राफ्ट तापमान क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर मिसेल बनना प्रारंभ हो जाता है। मिसेल क्या होती है? बनना प्रारंभ हो जाती है। मिसेल तो आपने समझ लिया होगा कि ये जो इसकी पुच्छ होती है ये एक जगह जुड़ जाती है, और ये जो इसका आयनिक भाग होता है चारों तरफ फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। यानी जब साबुन की सांद्रता कम होती है तो उसका जो विलयन होता है वो विद्युत अपघट्य की भांति काम करता है, मतलब एक नॉर्मल विलयन की तरीके से होता है। लेकिन जब साबुन की सांद्रता अधिक हो जाती है तो ये जो साबुन के अणु होते हैं इनके द्रव विरोधी भाग आपस में जुड़ जाते हैं और ये मिसेल बना लेते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके घरों में कपड़ा धोया जाता है, कपड़े की धुलाई होती है, तो ज़्यादातर गर्म पानी का इस्तेमाल होता है। गर्म पानी में जो कपड़े होते हैं वो आसानी से धुल जाते हैं। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जो मिसेल होती है उसको बनने के लिए कुछ कम से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर एक विशेष ताप से कम है तो मिसेल नहीं बनता। जब तक मिसेल नहीं बनेगा तब तक कपड़ा साफ नहीं हो पाता। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर मिसेल बनना प्रारंभ हो जाता है क्राफ्ट तापमान कहलाता है। जितने ताप पर मिसेल बनना प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? क्राफ्ट तापमान कहते हैं। अब देखिए, क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है? क्राफ्ट तापमान पर मिसेल के निर्माण के लिए जितनी न्यूनतम सांद्रता की आवश्यकता होती है उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो साबुन होता है उसका मिसेल या संघनित कोलाइड है या सहचारी कोलाइड है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो कण होते हैं जब सांद्रता के मान को बढ़ाते हैं तो आपस में मिलकर क्या करते हैं? कोलाइड बनाते हैं। तो मिसेल एक कोलाइड होता है। तो मिसेल को बनने के लिए क्राफ्ट तापमान पर जितनी न्यूनतम सांद्रता की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान 10^4 घात से 10^3 घात मोल प्रति लीटर होता है। इसे याद रखना, साबुन के लिए मान इतना होता है। आगे देखें, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो ये कोलाइड का जो वर्गीकरण था अब समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो आपको पता है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्रव स्नेही, एक होते हैं द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे जो गोंद होती है जो निकलती है पेड़ की, अगर उसको पानी में डाल दो तो आसानी से घुल के एक पेस्ट टाइप बन जाती है। उसको बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती। तो वो कैसा कोलाइड है? द्रव स्नेही कोलाइड है। या स्टार्च, जैसे चावल का आटा लेके पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए तो आसानी से वो एक गाढ़ा सा कोलाइड बना लेता है ना। तो ये सब जो कोलाइड होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई होगी। परंतु द्रव विरोधी कोलाइड द्रव के संपर्क में आने से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो जब द्रव के संपर्क में आते हैं तो कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। इसका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो विधियों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बस मैं छोटी सी ये वीडियो बना दिया था, कुछ चीज़ें छूटी थी, तो इसे आप देखिएगा। अगली वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयन को बनाने की जो विधियाँ होती हैं उनको देखेंगे।